कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यौगिक के नाम याद करेंगे और यौगिक का सूत्र क्या होता है वो भी हम लोग याद कर लेंगे, जो एग्जाम से सीधे हूबहू क्वेश्चन पूछ लेता है। यौगिक के नाम दे देगा, सूत्र पूछ देगा, या यौगिक के सूत्र दे करके नाम पूछ देता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होती है। तो आइए हम लोग पहले उस टॉपिक को ही क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने बोर्ड पर सूत्र लिखा हुआ है, बारी बारी से समझा करके आपको फॉर्मूला यानी उसका सूत्र याद करवाते चलेंगे। देखिए, पहला है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का NH4 क्लोरीन लगा दी, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। जल के तो आप सभी के मालूम है H2O होता है, H2O हमने लिख दिया है। उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है, या OH होल ट्वाइस बोल सकते हैं हम लोग। तो इस देखो, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को चूना जल भी बोला जाता है, या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। इसके बाद आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला पूछेगा, या देखिए यहाँ संगमरमर लिखे, संगमरमर भी पूछेगा तो यही देंगे हम लोग, समझे? तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3 होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। जिंक कार्बोनेट पूछेगा तो ZL लगा रहेगा इसमें, कैल्शियम पूछेगा तो CA लगा रहेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और जिंक कार्बोनेट का ZnSO3 होता है। कार्बोनेट जहाँ भी कार्बोनेट रहेगा तो CO3 अवश्य रहेगा, समझे? अगर कॉपर सल्फेट बोलेगा तो SO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? SO4 होता है कॉपर सल्फेट का सूत्र। अगर अमोनिया, केवल अमोनिया बोला तो अमोनिया क्या होता है? NH4 होता है, याद कर लीजिएगा, यह भी एग्जाम में पूछता है अक्सर। अमोनिया के बाद पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हो जाता है। यहाँ आप लोग देख लिए। अब देखिए अमोनिया के क्या हो जाता है, अमोनिया पूछेगा तो NH3 हो जाएगा अमोनिया का। अगर पोटेशियम क्लोरेट पूछेगा तो पोटेशियम क्लोरेट का CLO3 होता है। सी अलग है, के अलग है, पोटेशियम CL क्लोरीन होता है, O3 ऑक्सीजन होता है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। फेरस सल्फेट का अगर सूत्र पूछेगा एग्जाम में तो क्या बोलेंगे? FeSO4। फेरस सल्फेट का पूछेगा तो FeSO4। यहाँ कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होगा, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 रहेगा। यहाँ Cu छूट गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl होता है, जो हम लोग के पेट में बनता है, यानी कहने के मतलब अमाशय में, अमाशय में यही अम्ल होता है HCl। ये वाला Cu छूट गया था आगे, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के क्या होता है? NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, NaOH को बगल में लिख दिए हैं। सोडियम एमाइड का NaNH2 होता है, सोडियम एमाइड का। जिंक सल्फाइड का क्या होता है? ZnS। जिंक सल्फाइड का क्या होता है? ZnS। चीनी का सूत्र पूछेगा तो C12H2O11 होता है, यह भी याद होना चाहिए। ग्लूकोज का पूछेगा तो C6H12O6 होता है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10th एग्जाम में। बोरेक्स का क्या होता है? बोरेक्स का Na2B4O7 10H2O होता है, Na2B4O7 10H2O, इसको भी याद कर लीजिएगा। यूरिया, यूरिया का यही सूत्र होता है, CONH2NH2 दो गो होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं CONH2 का इस तरह होल्ट वाइज, यानी इसके अंदर दो लिख सकते हैं। ये हो गया यूरिया का, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है यूरिया का। अगर नीला कशिश के पूछेगा, नीला कशिश, तो नीला कशिश बोले चाहे तूतिया बोले, नीला कशिश बोले चाहे तूतिया बोले, तो CuSO4 5H2O। तूतिया का सूत्र पूछे या नीला कशिश का सूत्र पूछे तो क्या बोलेंगे? CuSO4 5H2O। हरा कशिश का सूत्र बोले, या हरा थोथा भी इसे बोला जाता है, FeSO4 7H2O होता है। वाशिंग सोडा का सूत्र यानी धोने वाला सोडा, जो सोडा का यूज होता है ना धोने के लिए, तो
तो वाशिंग सोडा का यूज होता है, सूत्र होता है वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O होता है। वाशिंग सोडा एग्जाम में पूछे या धोवन सोडा पूछे या धोने वाला सोडा पूछे तो Na2CO3 10H2O होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है जो हम लोग के घरों में यूज होता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन लग जाता है तो बाई हो जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाता है NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर बोले या बिरंजक चूर्ण बोले, इसको बिरंजक चूर्ण भी बोलेगा। बिरंजक चूर्ण जो कपड़ों को बिरंजक बिरंजित करने में जहाँ देखते हैं चूना जैसा छिटा रहता है वो बिरंजक चूर्ण ही होता है, कीटाणुओं को मारने में वो काम आता है। तो बिरंजक ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा या बिरंजक चून, तो CaOCl2 यह भी एग्जाम में भाई पूछा हुआ, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, अभी भी आई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 का होल ट्वाइज और 10H2O होता है, यानी होल ट्वाइज ये दो लिखने के मतलब, ये जो दो लिखा जा रहा है इसका मतलब है अंदर वाला दो बार लिखा गया है। CaSO4 2 लिखेंगे इस तरह और फिर क्या लिखेंगे H2O, CaSO4 2 H2O लिख देंगे इस तरह, समझे। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोला जाता है। देखते होंगे चिकित्सक यानी डॉक्टर लोग हाथ को प्लास्टर करने में यूज करते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। चाहे घरों को पुट्टी करने में देखते हो उजला उजला सीमेंट टाइप के होता है और उस पर पेंट करता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है। ये है भारी जल, भारी जल के D2O होता है, क्या होता है भारी जल के D2O होता है भारी जल। ये सिंदूर, सिंदूर का HGS होता है, ये HGS यानी सिंदूर का है, समझे। HGS सिंदूर याद कर लीजिएगा, यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, यह भी पूछा हुआ है शायद। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के मतलब, गैस के मतलब हंसने वाला गैस, जो हंसने वाला गैस होता है ओकरा के लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या होता है N2O, लाफिंग गैस का होता है N2O, इसको भी याद कर लीजिएगा। या लाफिंग गैस ना लिख करके हंसने वाला गैस भी पूछ सकता है, तो क्या लिखेंगे N2O। आंसू गैस, आंसू गैस का होता है CCl3NO2 होता है, CCl3NO2 होता है, ये किसका गैस है आंसू गैस, या इसे टीयर गैस भी बोलता है। टीयर गैस बोले चाहे लाफिंग गैस बोले हम लोग क्या बोलेंगे CCl3NO2। संगमरमर बोले या चूना पत्थर बोले क्या बोलेंगे CaCO3। देखिए संगमरमर और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट पोल पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे किस, क्या संगमरमर वाला है CaCO3 ही बोलेंगे। काली चूना नहीं इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। कली चूना का क्या होता है CaO होता है, समझे। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग के मालूम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो CO2 मालूम है, जल पूछेगा तो H2O मालूम है, ऑक्सीजन पूछेगा तो O2, ये सब तो आप सभी को मालूम है। कैल्शियम कार्बोनेट जितना देखिए BVI वो सब हम लोग लिख दिए हैं, तो इसे आप कॉपी पर नोट करके आप जरूर इसे याद करिएगा, एग्जाम में ये अक्सर पूछते रहता है। तो वीडियो को लास्ट करते, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।